देख रहे हैं टीआरएल न्यूज की खास पेशकश फेस टू फेस। मैं हूं निशा प्रभा। शहर की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। इंटरव्यू का दौर लगातार जारी है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण। हम बात कर रहे हैं शहर जिले की पहली महिला SSP नीलांबरी जगदले। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके अब तक के करियर की खास बातें। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। सबसे पहले बताएं कि IPS आपने क्लियर किया, कैसा रहा सफर? ये मेरे मन में पहले से ही था, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। तो उसके बाद जब मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद मैंने 2 साल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। एंड तभी से मुझे लग रहा था कि जो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है कि उसको मैंने अब परस्यू करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने वो जॉब जो है उसको क्विट कर दिया और इसकी UPSC की पढ़ाई शुरू कर दी। पुलिस सर्विसेज ही क्यों चुना, कुछ खास रीज़न था इसका? ऐसा है कि इंडिया में जो सिविल सर्विसेज है उसमें 2 सर्विसेज ऐसी है, एक है IAS और दूसरी है IPS, कि जिनका एक आम और ख़ास जनता के साथ रोज़ का वास्ता पड़ता है और एक बहुत बड़े पैमाने पे समाज के हर एक स्तर के जीवन को ये प्रभावित करने की, बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करने की क्षमता ये दोनों सर्विसेज रखती है। तो इसलिए मैंने ये सर्विस चुनी है। पंजाब कैडर आपको मिला जी, तो उसके बारे में बताइए कैसा अनुभव रहा? तो सबसे पहले जब पंजाब कैडर अलॉट हुआ तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उनको, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो उनको तो सबसे पहले लगा कि इतनी दूर है कि कैसे काम करेंगे, क्या होगा, और एक बॉर्डर स्टेट है तो बॉर्डर स्टेट के जो है अलग ही चैलेंजेस होते हैं। मतलब ये स्टेट थोड़ा में जो पुलिसिंग होती है वो ज़्यादा चैलेंजेस आपके सामने। तो आपको लगता है कि महिला होने के नाते कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी या वो सुरक्षा के लिए पेरेंट्स बड़े खासे वो होते हैं इसीलिए शायद? नहीं, सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बट ऐसा है कि मतलब चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, जब घर से पहली बार जाना होता है, बहुत दूर जाना होता है, तो एक बहुत नेचुरल है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा चिंता होती है। लेकिन जिस लेवल पे हमें काम करना होता है और जिस रैंक में हम ज्वाइन करते हैं तो उन सब के बारे में पता होता है, तो उस वजह से थोड़ी सी चिंता कम हो जाती है। और जब पेरेंट्स खुद देखते हैं कि अपने बच्चे वहाँ जाके किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है और वो कितना अच्छे से उसको निभा रहे हैं, उससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, ये सब जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो उनको उस चीज़ की बड़ी खुशी महसूस होती है और फिर वो जो चिंता होती है वो कहीं नहीं रहती। जब से आप जिले में आई हैं यही लिखते आ रहे हैं अखबारों में भी, पहली महिला SSP हैं, आपको लगता है कि एक तरफ तो हम बराबरी का दर्जा देते हैं कि महिला पुरुष बराबर होना चाहिए, दूसरी तरफ बार बार पहली महिला SSP सुनना अजीब लगता है आपको? ये मैं इसको एक पॉजिटिव सेंस में इसलिए लेती हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक अगर आप देखें तो महिलाएं तो इस फील्ड में आती ही नहीं थी। तो ऑनरेबल किरण बेदी जी ने इस सर्विस में सबसे पहले आने की शुरुआत की, तो इट्स अ गुड थिंग कि अब तक जो, मतलब उसमें एक कनोटेशन ये भी आ रही है कि अब तक जो काम महिलाएं नहीं करती थी वो अब करने लगी है, या जिस पोस्ट पे आज तक महिलाएं नहीं थी उस पे अब आने लगी है। चलिए, तो पॉजिटिव आप ले रहे हैं। तो ये एक सिर्फ मैं ही नहीं है, समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। इस चीज को जब लेडीज पढ़ती है, स्कूल गोइंग गर्ल्स पढ़ती है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स पढ़ती है, तो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन आता होगा। और मुझे कई स्टूडेंट्स ने ये बताया है, कभी फ़ोन करके या व्हाट्सएप के जरिए या जो भी मेरी उनके साथ इंटरेक्शन होती है कि उनको बहुत मोटिवेशन लगती है। मोटिवेशन बहुत आता है और आपके पास बैठ के मैं भी ये महसूस कर रही हूँ, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मुझे भी आ रहा है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एक ऐसा जिला जो काफ़ी संवेदनशील है, जब से पठानकोट अटैक हुए हैं एयरबेस पे, उस ऐसे जिले की जिम्मेवारी आपको दी गई है और खास तौर पे चुनावों के समय पे, चुनौती कितनी बड़ी आपके लिए? मैं बताना चाहूँगी कि पिछले लोकसभा चुनावों के दरमियान साल 2014 में उस वक्त भी मुझे जिम्मेदारी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की दी गई थी, मुझे फाजिलका में बतौर SSP लगाया गया था।
तो इसलिए एक तो बॉर्डर जिले में काम करने का अनुभव भी मेरे पास है और खास तौर पे इलेक्शनों में काम करवाने का अनुभव भी है। और दूसरी बात है कि कोई भी असाइनमेंट जो होता है उसमें हर एक असाइनमेंट में अलग टाइप की चुनौती होती है, तो मैं भी यही लेके चल रही हूँ कि एक अगर ये एक बॉर्डर जिला है, संवेदनशील है, तो इसमें एक अलग तरह की चुनौती है। तो जो कोई अलग तरह की चुनौती है तो उसको डील करने में और उसका सामना करने में अलग तरह का मजा भी आता है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन का भी बहुत यहाँ पे है, तो उसे कैसे पार करेंगे? ये बेहद चुनौती भरा रहेगा आपके लिए। उसमें ऐसा है कि जो हमारी सिस्टर एजेंसीज है, लाइक BSF है, यहाँ पे आर्मी की काफ़ी प्रेजेंस है, एयरफोर्स के भी स्टेशन है, इनके काफ़ी ऑफिसर्स और काफ़ी फोर्स यहाँ पे तैनात हैं। उनके साथ हम डे टू डे बेसिस पे इन टच हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं और इस इनके साथ साथ हम जॉइंट ऑपरेशंस भी इनके साथ करते हैं, हम अपनी मॉक ड्रिल्स भी करते हैं। हमारी पूरी फोर्स, हमारे फोर्स के ऑफिसर्स और इनकी फोर्स, इनके ऑफिसर्स जो है, ये पूरी तरह से तालमेल बना के करते हैं। क्योंकि मीडिया में भी खबरें हैं कि ऐसे कई लोग वहाँ से उन्होंने भेजे हैं पड़ोसी देशों से, सो दैट ये चुनावों का जो मौसम है इसमें किया जाए, घुसपैठ की जाए या ऐसे कुछ कदम उठाए जाए ताकि अशांति फैल सके। इसमें हमने पठानकोट जिले में जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाके लगे हुए हैं, हमारे जो जॉइंट पेट्रोलिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमारे जॉइंट सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं सारी सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर, और उसके साथ साथ जो है कोई भी इनपुट अगर हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज से मिलती है तो हम उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं विदाउट इग्नोरिंग इट। तो उसके वजह से, और साथ साथ जो दो स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारी बाउंड्री लगती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उनके ऑफिसर्स के साथ भी हम तालमेल बिठाए हुए हैं। तो एक सिंक्रोनस एक्शन जो है सारी एजेंसीज के तरफ से इसमें हो रहा है, और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि जो पिछले साल का इंसिडेंट है उसके बाद कोई भी इंसिडेंट जो है यहाँ पे रिपीट नहीं हो सका। एक और चीज़ है जिसमें ये सिंक्रोनाइजेशन दिखनी चाहिए लेकिन अभी तक दिखती नहीं आई है, नशे को लेकर, क्योंकि तीनों राज्य जो है, जब भी पठानकोट में नशे को लेकर बात होती है तो हमेशा से ही हिमाचल पुलिस पे ये डाल दिया जाता है कि वहाँ से ये आ रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे आप? इसके रिगार्डिंग मैंने कांगड़ा ज़िले के जो कंसर्न इनके SDPOs और SHOs हैं उनकी और मेरे पठानकोट के DSPs और SHOs की इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग हमारी अभी हुई है, 2 दिन पहले हुई है, और उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हम हाइटेंड कोऑपरेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कुछ पॉकेट्स की जहाँ पे इलिसिट लिकर और इलिसिट ड्रग्स का कारोबार जो है होने की काफ़ी खबरें आती है, और इसमें हम एक सिंक्रोनस ऑपरेशन दोनों स्टेट पुलिस की तरफ से चलाएंगे और ज़रूर ही हमें इसमें कामयाबी जो बहुत जल्द मिलेगी। सवाल और जवाब का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर और भी सवाल होंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉडर्न संदीपनी स्कूल इज अ बोर्डिंग कम टू बोर्डिंग स्कूल विद इट्स एग्जिस्टेंस सिंस 19 इयर्स। मॉडर्न संदीपनी स्कूल इज स्कूल ऑफ द जीनियस एंड फॉर द जीनियस। स्कूल हैज अ वंडरफुल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, एयर कंडीशन हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट एंड मेस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। School is fully equipped with modern labs, robotic labs, where children designs various robots. For admissions and inquiries, please contact us. Break के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं SSP नीलांबरी जगदले से। मैम, 26 जनवरी पास ही है तो क्या सुरक्षा इंतजाम खास इस वक्त किए जा रहे हैं? 26 जनवरी के संबंध में सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो एक साथ मिलकर एक जॉइंट प्लान बना रहे हैं जी, और उसमें जितनी ही जगहों पे ये दिवस मनाया जाएगा, अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसमें हर जगह की सिक्योरिटी जो है हम एंटी सबोटाज चेक और हर तरह के जो पुलिस फोर्स, लाइक हमारे पास PMF भी अवेलेबल है, उनको भी हम यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 स्निफर डॉग्स अवेलेबल हैं, उनको भी यूज़ करेंगे, और हमारी पंजाब आर्म पुलिस की भी हमारे पास एक कंपनी आ रही है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो, इस तरह से एक 4-5 टायर सिक्योरिटी जो है हम इसमें 26 जनवरी में इंश्योर करेंगे जी। पठानकोट में ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लगता हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी अगर कुछ बदलाव उसमें करनी हो? सबसे पहली तो यह है कि चूँकि ये चुनावों का दौर है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्लेस में है,
तो फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो यही है कि चुनाव बिल्कुल फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट और लीगल वे में हम कंडक्ट करवाएंगे। नंबर दो चूँकि ये बॉर्डर का ज़िला है और संवेदनशील है तो सेकंड प्रायोरिटी रादर ये तीनों ही टॉप प्रायोरिटीज ही होंगी मैं इनको कहूँगी। तो दूसरी प्रायोरिटी मतलब ये रहेगी कि जो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है कि किसी भी तरह की जो है इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी हम पठानकोट में नहीं होने देंगे। एंड थर्ड प्रायोरिटी मैं ये कहूँगी कि शहर में ट्रैफिक की समस्या जो है वो काफ़ी गंभीर रूप धारण किए हुए हैं तो उसको भी धीरे धीरे सबको साथ मिला के जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि आम जनता है फिर लेबर क्लास भी है जो फोर व्हीलर्स ड्राइव करते हैं वो भी हैं मार्केट के मार्केट एसोसिएशंस भी है बाकी भी जो आम खास जनता है इन सबको ऑन बोर्ड लेके हम चलेंगे। इन सब के साथ सोच विचार करके मिल के एक जिले के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उसके तहत हम इस ट्रैफिक को जो है सुचारू ढंग से चालू रखने का प्रयास करेंगे। हमारा सवाल आपको ट्रैफिक पे लेकर ही था क्योंकि ट्रैफिक ऐसी समस्या है कई SSPs आए तबादला हो गया लेकिन ट्रैफिक की समस्या जस की तस बनी हुई है। कोई मास्टर प्लान कोई ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है जिससे इस पर रोक लगाई जाए जितना ट्रैफिक है क्या ऐसा कुछ है आपके पास कोई प्लान? हाँ क्योंकि ट्रैफिक जो है ना ये शहर के हर एक व्यक्ति को अफेक्ट करती है चाहे वो आम हो चाहे खास हो। तभी मैंने कहा कि ये सिर्फ एक फैक्टर से काम नहीं चलेगा कि अगर सिर्फ पुलिस सोच ले कि ट्रैफिक को ठीक करना नहीं हो सकता या सिर्फ एक इंसान सोच ले कि ट्रैफिक को ठीक करना नहीं हो सकता। तभी मैंने कहा कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको ऑन बोर्ड लेके एक बनाएंगे इसमें क्या कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान इस तरीके से बनाएंगे कि इस समस्या का हम हल निकालेंगे तो उसमें हम सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। एक समुचित प्रयास की आपने बात की अभी अभी कि ट्रैफिक को लेकर ऐसे होगा लेकिन जो हमारे DC हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी लोगों को आमंत्रित किया था कि आप ऐसे सुझाव दें कुछ खास वहाँ पे निकल के नहीं आया तो इसके रिगार्डिंग भी मैं DC साहब से भी ज़रूर इसमें विचार मशवरा करूँगी और अगर उनके कुछ पॉइंट्स होंगे तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें करप्शन का बहुत अहम रोल है क्योंकि लोगों द्वारा ही ये आरोप लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस भी इस छोटे मोटे करप्शन में होती है उस वजह से भी शायद ये इतना एप्लीकेबल नहीं हो पाता। नहीं कई बार इस वजह से भी आरोप लग जाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने इनको कोई रोका टोकी की या कोई गलत वायलेशन करने से रोकते हैं तो उस वजह से भी कई बार आरोप लग जाते हैं लेकिन मेरे तरफ से जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं उनको भी और सारे मुलाजमों की मीटिंग बुला के जब मैंने ज़िले में ज्वाइनिंग किया था उसके थोड़े ही दिनों बाद इनकी मीटिंग करके इनको सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी करप्शन नहीं करेंगे और सारे लोगों के साथ जो है पोलाइटली एक निम्रता का व्यवहार ये रखेंगे और इसके बावजूद अगर कोई शिकायत आती है और उसमें कोई सच्चाई पाई जाती है तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शिकायतें तो मैम होंगी ना जब एक वन वे रोड है उस पर बाकी लोगों के लिए एंट्री नहीं है लेकिन जब भी कभी विधायक या किसी अफसर शाही का रौब होता है तो वो गाड़ियाँ निकाली जाती हैं बैरिकेड्स हटा के निकाली जाती हैं तो उस वक्त तो ये जनता तो बोलेगी नहीं जनता की जो भी शिकायतें हैं उसको सुनने के लिए जी और उसको एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हल करने के लिए ही मेरे प्रयास है और इसके रिगार्डिंग अगर जनता कोई भी सुझाव देना चाहती है या कोई भी प्रॉब्लम बताना चाहती है तो ज़रूर मेरे नोटिस में ले आइए। और एक एक, एक और समस्या है जो आप ही के ही इस एरिया की है जहाँ पे ये कार्यालय है उसके पास बहुत सारे पैलेस हैं मैरिज पैलेस हैं या देर रात तक 11 बजे तक 12 बजे तक लाउड वॉइस में म्यूजिक चलता है यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती या क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है कि जहाँ जब भी हमें हमारे पास ये इस तरह की बात नोटिस में आती है या शिकायत में आती है हमारे PCR व्हीकल्स भी वहाँ पे जाके जो है म्यूजिक स्टॉप करवाते हैं या किसी थाने में भी जब बात पता लगती है तो वहाँ से भी ड्यूटी ऑफिसर को भेजा जाता है और जो है लाउड म्यूजिक जो है बंद करवाया जाता है। तो इसके बावजूद भी अगर मतलब सिटीजन्स को शिकायत है तो वो ज़रूर अपने कंट्रोल रूम पे इतला दे 100 नंबर पे इतला दे तो PCR वाले जाके वहाँ पे म्यूजिक स्टॉप करवाएंगे। एक गट्टू डोर को लेकर चाइनीज डोर को लेकर प्रशासन की तरफ से बयान भी आए कि रोक लगाई जाएगी सख्ती से कदम उठाए जाएंगे टीमें गठित की जाएंगी लेकिन उसके बावजूद भी सरेआम
जो चाइनीज डोर है वो बिकी और उसकी वजह से कल सारा दिन बिजली भी गुल रही। नहीं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसमें सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की इकट्ठे टीमों ने भी रेड किए हैं। जी, पुलिस के इकट्ठे टीमों ने भी रेड किया, सिविल के इकट्ठे टीमों ने भी रेड किया है और इसी का नतीजा है कि 8 अलग अलग FIRs हमने इसमें दर्ज किए हुए हैं। जो कंसर्न व्यक्ति थे, जो बेच रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में जो है गट्टू दौर बरामद हुई है। लेकिन जो खबर मीडिया में आई कि ये जो लाइट गुल हुई वो उसकी वजह से हुई, उस पर क्या कहेंगे? मैं ज़रूर इसमें इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी कि ये इसका क्या मूल कॉज क्या है और इस तरह से क्यों हो रहा है, और अगर इसमें भी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट चाइनीज डोर की पाई जाती है तो कंसर्न व्यक्ति के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। एक साइबर सेल पे सवाल है कि साइबर सेल हमारे पठानकोट में है लेकिन साइबर क्राइम को लेकर उतना ज़्यादा अभी इफेक्टिवली वो काम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके रिगार्डिंग हमें जो आम तौर पे कंप्लेंट्स मौसूल हो रही है जी, वो इस तरह की है कि हमारा मोबाइल गुम हो गया है या हमारा जो है टैब गुम हो गया है, तो उसको हमें ढूंढवा के दीजिए, उसको हम ट्रेस पे लगा के जो है ट्रेस भी करवा के दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है, दूसरे जिस टाइप की कंप्लेंट्स आप साइबर क्राइम की बात कह रही है कि जी, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की कंप्लेंट्स तो अभी तक पठानकोट में आई नहीं है। जो कुछ बैंक फ्रॉड्स की या ATM फ्रॉड्स की कह लो या फेसबुक पे गलत कोई फोटो वगैरह लगाने की कंप्लेंट्स आई है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा मोहाली में जो साइबर सेल है उसके साथ हम तालमेल बिठाए हुए हैं, जहाँ पे बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उनके साथ उनकी हेल्प लेके हम इसको ट्रेस करते हैं। आम जनता में ये राय बनी है कि जो नई SSP आई है काफ़ी सख्त मिजाज की है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो मैं मानती हूँ कि सख्ती सख्ती वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली एज पर लॉ जो है, स्ट्रिक्टली एज पर लॉ, स्ट्रिक्टली एज पर बुक, और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो स्ट्रिक्टली एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो इसको कोई सख्ती का नाम देना चाहे तो बेशक दे सकते हैं। घर और परिवार की दोनों जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे बैलेंस करते हैं आप, अगर एक महिला होने के नाते आपसे पूछा जाए? हाँ, इसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स का मुझे बहुत सपोर्ट है, तो कई बार मतलब कई दिनों तक मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं मेरी बेटी के लिए टेक केयर करने के लिए, मेरे मदर इन लॉ कई दिन मेरे साथ रहते हैं, कभी मेरे फादर आ जाते हैं, कभी मेरे सिस्टर वगैरह भी आ जाते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन में मैं कम से कम 1-1.5 घंटा जो है अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालती हूँ, तो इस तरह से फैमिली मेम्बर्स के कोऑपरेशन से ही काम चलता है। तो जाहिर है कि अगर एक महिला को सहारा मिले, कोऑपरेशन मिले, तो आसमां छू सकती है, ये साफ मैसेज आपकी तरफ देख के हमें मिलता है। जनता के लिए आपका एक छोटा सा संदेश? जनता, मैं पूरे पठानकोट की जनता की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जनता के कई प्रतिनिधि, कई नुमाइंदे मुझे आकर बहुत प्यार से मिले और उन्होंने अपना सहयोग मुझे देने की पूरा भरोसा दिलवाया है, तो मैं पूरी पठानकोट की जनता को एक आश्वस्त भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का जो काम होगा एक बिल्कुल ही कानून के मुताबिक, एक साफ सुथरा, अच्छा, और जो शहर की मुख्य समस्या है उनसे निजात दिलाने के लिए एक बहुत बढ़िया स्तर का प्रयास पठानकोट पुलिस करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साफ सुथरा पुलिस प्रशासन देने का ये वायदा किया है SSP नीलांबरी जगदले। एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।